Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. In this lesson, we're going to learn the meaning of cliche. It was a request by Khan Istakhar, and Khan, here's your lesson. Cliche means a phrase or expression that has overused to the point of losing its original meaning and effect. Koi phrase, koi expression, ya aap samajh lenge koi jumla, jo hum rozmarra zindagi mein itna zyada bolte hain ki us jumle ka jo asal matlab hota hai ya uske piche jo uski asal feeling hoti hai, वो कहीं ना कहीं लूज हो चुकी होती है। वो जुमला जो है वो एक रसम बन चुका होता है जो हम बोलते हैं। जैसे किसी खास ओकेजन पे, किसी खास मौके पे कोई खास किस्म के जुमले होते हैं जो हम बोलते हैं। अब वो जो जुमले होते हैं उनका जो मतलब होता है एक्चुअली में हम उसको असल में फील नहीं कर रहे होते, उसको हम दिल से नहीं बोल रहे होते हैं। वो उस खास मौके पे बस एक रस्म बन चुकी होती है कि ये वाला जुमला बोलना है तो हम बस उसको ऐसे ही बोल देते हैं। उसका जो मतलब होता है ना तो हम उसको मीन कर रहे होते हैं ना ही हम उसको दिल से फील कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बोलते हैं मुख्तलिफ ओकेजंस के ऊपर, उनको क्लिशे बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ कि जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना, माई वेडिंग डे वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। ये जो जुमले हैं ना, असल में हो भी सकता है कि वो उनकी जिंदगी का खुशी वाला दिन हो, लेकिन अगर नहीं ये भी है ना तो भी लोग ये बोलते हैं। एक रस्म बन चुकी थी कि मेरी शादी का दिन ना मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार दिन था, चाहे बाद में शादी में बाद में उनकी जिंदगी इतना खुशगवार ना रही हो। ठीक है, तो वो एक क्लिशे बन जाता है कि आपने अपनी शादी के डे को हैप्पीएस्ट डे ही कहना है, इवन दो कि आप उसको फील कर रहे हैं दिल से वो आपका हैप्पीएस्ट डे था या नहीं था। ठीक है, ये क्लिशे बन गया। इसको और इस तरह से एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे आपको कोई जानने वाले लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपके कुलीग्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली में कहीं किसी की डेथ होगी जिसके साथ आपका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था, लेकिन चूंकि वो आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, आपके कुलीग हैं, तो आपको एक रस्मन उनकी मतलब कि अफसोस के लिए जो जाना पड़ता है, कंडोलेंस के लिए जो जाना पड़ता है, तो आप जाकर वहां पर उनको कहते हैं कि जी आपके फलां जो है उनकी डेथ हो गई है तो बड़ा अफसोस हुआ। अब ये हम जो ये बड़ा अफसोस हुआ जी, खुदा की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, इस तरह के जो हम जुमले बोलते हैं वहां जाके, हम एक्चुअल में दिल से उस वक्त अफसोस फील नहीं कर रहे होते हैं, ना ही हम वो गम फील कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। लेकिन ऑब्वियसली एक हमारा एक सोशल सर्कल है, एक दोस्ती है, तो वहाँ जाकर अफसोस भी करना है, उनसे बात भी करनी है, तो ये एक रस्मी जुमले होते हैं जो हमने वहाँ पर जाके बोलने होते हैं, चाहे हम अंदर से दिल से उसको फील करें या ना करें, चाहे हम एक्चुअली उन जुमलों को मीन करें या ना करें, लेकिन वो चूंकि उस खास ओकेजन पे जाके और जो हमें वो बोलने होते हैं जुमले, तो हम वो बोल देते हैं। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं इनको हम क्लिशे बोलते हैं। क्लिशे जो है ना वो बड़े लातादाद किस्म के हैं जो हम रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ ओकेजंस पे यूं ही बोल देते हैं, एक्चुअली में हम उनको जो है ना मीन नहीं कर रहे होते। उनका जो मतलब होता है ना, वो असल जो उनका मीनिंग होता है, असल जो उनका इफेक्ट होता है, उसके पीछे जो इमोशंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं लूज हो चुके होते हैं, क्योंकि हम उनको रिपीटेडली यूं ही बस बोले जा रहे होते हैं। जैसे कि अक्सर आप सुना होगा, कहते हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब कहने वाले लोग अक्सर ये यूं ही बोल देते हैं, उसका जो असल बीच में पीछे मतलब होता है वो उसको उसकी डेप्थ में उसको समझ नहीं रहे होते हैं, या उसको मीन नहीं कर रहे होते हैं, या उसको दिल से फील नहीं कर रहे होते। इसी तरह से ना कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, इस तरह के जो जुमले होते हैं अक्सर स्टोरीज के एंड पे ये जुमले लिखे जाते हैं, ये अभी एक क्लिशे बन चुके हुए हैं, क्योंकि हैप्पीली एवर आफ्टर जो है ना वो जिंदगी में नहीं होता है, वो कभी भी नहीं होता है, और ना ही वो उसको जो है ना वो मीन कर रहे होते। ठीक है, तो ये इस तरह के जो जुमले जो हम बस ऐसे ही रस्मन बोल रहे होते हैं कि इस ओकेजन पे ये जुमला ऐसे बोलना है, उसका जो असल मतलब है या जो उसका जो असल इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं लूज हो चुका होता है और हम यूं ही बस बोल रहे होते हैं, तो इस तरह के जुमले को हम जो है ना वो क्लिशे बोलते हैं। तो आई होप कि आपको क्लिशे का मतलब समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। अब फर्स्ट एग्जांपल इज, फॉर सम पीपल इट्स अ क्लिशे टू से दैट टाइम हील्स ऑल द सोरोस। देखिए, कुछ लोगों के लिए ना ये जो जुमला है ना कि वक्त के साथ जितने भी जख्म होते हैं, जितने भी गम होते हैं, वो भर जाते हैं, कुछ लोगों के लिए क्लिशे है, क्योंकि इसका जो असल मतलब है ना कि वक्त के साथ साथ इंसान अपने गम को भुलाता जाता है और जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, ये कुछ लोगों के साथ नहीं होता है। वो चाहे आप 10 साल बाद भी उनको मिले, 15 साल भी उनको मिले, 30 साल बाद भी उनको मिले, वो गम उनकी जिंदगी में वैसे का वैसे ही होता है, वो हरा होता है। कुछ गम ऐसे होते हैं जिंदगी के अंदर
जो हमेशा आपके अंदर जो है ना वो उसी तरह से रहते हैं, वो कभी हील नहीं होते, ठीक है। तो हर सोरो जो है ना वो वक्त के साथ हील नहीं होता है। अ सेकंड एग्जांपल इज, इट्स अ क्लिशे टू से व्हाइल ब्रेकिंग अप, इट्स नॉट यू इट्स मी, ठीक है। अब ये जो जुमला है ना ये बड़ा कॉमनली बोला जाता है जब आपस में लोग ब्रेकअप कर रहे होते हैं ना, तो जो बंदा कर रहा होता है ना वो दूसरे वाले को एक रस्मन ये जुमला बोलता है कि इट्स नॉट यू इट्स मी, कि ये तुम्हारी वजह से नहीं है, ये बस मेरी वजह से है, मैं ही कसूरवार हूँ कि जो ये रिश्ता टूट रहा है। बेसिकली वो एक क्लिशे बोल रहा होता है, वो उसको मीन नहीं कर रहा होता है, वो चूंकि इस रिश्ते को तोड़ना चाह रहा होता है और उसने अगले बंदे को जो है ना दूसरे इंसान को वो थोड़ी सी तसल्ली देनी होती है, तो उसको कह रहा होता है कि नहीं तुम अपने ऊपर ना लो, तुम्हारी वजह से ये रिश्ता टूट रहा है हमारा, ये मेरी वजह है, तो तुम सारा ब्लेम जो है ना मेरे पर, क्योंकि वो उस रिश्ते से खुद भागना चाह रहा होता है। तो ये क्लिशे है, वो एक्चुअल में उसको मीन नहीं कर रहा होता। अब थर्ड एग्जाम्पल इज, व्हाट अ रोमांटिक क्लिशे, आई कैंट लिव विदाउट यू। ये भी एक क्लिशे ही है जो अक्सर बोला जाता है, जो कपल्स बोलते हैं मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ऐसा नहीं होता, जब ब्रेकअप होता है हर कोई एक दूसरे के बगैर रह रहा होता है, ठीक है। तो ये भी एक क्लिशे है। ओके फ्रेंड्स, दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस लेसन। आई होप दिस लेसन वाज यूजफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस लेसन, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।